हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपका 11th का जो एडमिशन है वो उसका फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट आज हम लोग को करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। क्या करना है हम लोग को आज? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको जो लिंक रहेगा वो आप मेरे इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करिए, आपको पेज ओपन हो जाएगा आपके 11th एडमिशन का। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप लोग राइट साइड में, यहाँ बहुत टाइप्स का डिवीजन दिए हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, ठीक है, नासिक। तो हम जो जो एरिया से आप बिलोंग करते हैं वो एरिया में आप लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मुंबई, मैंने चूज कर लिया मुंबई को। मुंबई को चूज करने के बाद आपको ये वीडियो शो होगा फर्स्ट, अगर देखना चाहते तो आप देख सकते हैं, यहाँ तो मैं आपके लिए वीडियो बना ही रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ कुछ भी गाइडलाइंस होता है तो वो हमको दिखाया जाता है, ठीक है। कोई नया गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशन जो भी आया वो यहाँ आपको दिखता है। बट अब हमको करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिये इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये पेज ओपन होने के बाद आपको क्या क्या करना है, यहाँ आप कॉर्नर पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा है, ठीक है। वहां नीचे आप देखेंगे एप्लीकेंट स्कूल एरिया, ठीक है, जहां से आपका स्कूल कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। क्या वो मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन एरिया में है, कि वो आउटसाइड MMR एरिया है, या आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट है। अब ये क्या है, मुंबई में अगर रहेगा तो आप ये चूज करेंगे, और अगर लाइक मुंबई से अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में रहेगा या किधर बाहर का रहेगा। देखिए यहाँ लिखा है एप्लीकेंट पासिंग स्टैंडर्ड 10 फॉर अ स्कूल लोकेटेड इन महाराष्ट्र स्टेट बट आउटसाइड मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एरिया में रहेगा, तो आप ये चूज करेंगे। और अगर आपका दूसरा बोर्ड है लाइक आउटसाइड महाराष्ट्र बोर्ड के अलावा दूसरा बोर्ड है, राजस्थान, यूपी, बिहार बोर्ड है, तो आप ये आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए एप्लीकेंट स्टेटस, अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है अभी तक तो आप फ्रेशर पे क्लिक करेंगे, फ्रेशर। अगर आपने लास्ट ईयर दिया था बट एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए थे तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, रिपीटर पे। अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, ठीक है, बट कुछ कारण आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो आप कहाँ करेंगे, प्रीवियसली पास्ड पे करेंगे। लास्ट ईयर में पास था बट मैंने एडमिशन नहीं लिया तो मैं अब लूंगा। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे 10 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, ये मैंडेटरी है। सब जो भी रेड टिक रहेगा यहाँ, यहाँ देखिए रेड डॉट रहेगा वो आपको क्या है, मैंडेटरी है। अब यहाँ दिए SSC, यहाँ सब बहुत सारे बोर्ड के नेम दिए वो आपको क्लिक करना है। SSC है, CBSE है, IAS, ICSE बोर्ड से है, IB बोर्ड से, जो भी है। तो यहाँ तो अगर हम मुंबई से, तो हमारा अभी तक तो जो जिसका मैं अभी देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मुंबई बोर्ड का, तो मैं SSC करूंगा जो कि स्टेट बोर्ड है। अगर आप समझिए यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आप देखिए यहाँ दिया है राइट साइड में एनी अदर बोर्ड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ एक कॉलम आ जाएगा, वहां आपको क्या करना है, फिल करना है कौन सा बोर्ड से है, बिहार से है कि छत्तीसगढ़ से है कि गोवा से है कि गुजरात से है, जो भी आप बोर्ड करेंगे चूज करेंगे वो यहाँ बोर्ड पूरे ऑल ओवर दी इंडिया के बोर्ड्स के पूरे नाम यहाँ है वो क्लिक हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं SSC का किया। अब यहाँ देखिए SSC का यहाँ दिया गया, यहाँ सीट नंबर, यहाँ आपको क्या करना है, कोई भी सीट नंबर आपको फिल करना है, जो स्टूडेंट का आप जिसका आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपना सीट नंबर जैसे ही फिल करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो 3 है कॉलम ये फिल हो जाएगा, ठीक है, कि आपका कौन से मंथ में आपने एग्जाम दिया था, आपका पूरा नाम क्या है यहाँ आ जाएगा, फिल हो जाएगा, और ईयर क्या है 2020 मोस्ट ऑफ रहेगा जहां तक मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का। उसके बाद एप्लीकेंट कॉन्टेक्ट डिटेल, लेफ्ट साइड में मेरे देख सकते हैं क्या लिखा है, एप्लीकेंट कॉन्टेक्ट डिटेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर, फोन नंबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पूरा अपडेट आपको ऑलवेज ये नंबर पे ही आएगा, आपका एप्लीकेंट ID नंबर मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है, ये नंबर, तो ऐसा नंबर डालिए जो ऑलवेज चालू रहे, जो आपके पास रहे और आपसे उसका हमेशा कांटेक्ट होता रहे, आप देखते रहे कि कोई मैसेज आए कि नहीं रिगार्डिंग ये 11th के एडमिशन को लेके, ठीक है। तो आप जो भी फोन नंबर चूज करना चाहे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन।
सिक्योरिटी क्वेश्चन किस लिए? पासवर्ड के लिए, बैकअप के लिए होता है, ठीक है। आपको यहाँ ग्रैंडफादर का नाम पूछा, आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप यहाँ से चूज करेंगे, लाइक फेवरेट मूवी कर लीजिए, तो मैंने लिख दिया OMG, ओ माई गॉड। ये भी कोई भी चीज, मूवी किया है तो मूवी का डालिए, आप अगर गेम का डालें तो क्रिकेट डाल सकते हैं, जो भी चीज करना है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड ऑन यू, आप जो चूज करना चाहते हैं चूज कर लीजिए। अब ये हुआ पासवर्ड डिटेल। पासवर्ड डिटेल ये रहेगा कि 8 to 15 कैरेक्टर रहना ही चाहिए उसमें, ठीक है। यू कैन यूज मोबाइल नंबर, कोई भी नंबर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज डाल सकते, बट 8 to 15 नंबर रहना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर डालो तो 10 नंबर का मोबाइल नंबर रहेगा, आपको जो इजी लगे तो कि याद रहे। जो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे सेम एज इट इज यहाँ भी कंफर्म पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद कैप्चा कोड टाइप, कैप्चा कोड यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपको कैप्चा कोड दिख रहा रहेगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिख रहा रहेगा? कैप्चा कोड। तो यहाँ आपको कैप्चा कोड क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ, जैसे कि बी, कैपिटल बी, 3 9, वेट अ सेकेंड ना, सॉरी ये ऊपर आ गया, B3 9D3, ये आपका कैप्चा कोड डालिए आप। रजिस्टर, आपको क्या करना है यहाँ, रजिस्टर, जैसे ही देखिए, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी, कोई भी एक जो मिस हुआ रहेगा वो आपको तुरंत दिखा, जैसे मैंने रजिस्टर किया, यहाँ देखिए लाइन से मुझे बता दिया कि एंटर सीट नंबर आपने नहीं किया, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, ये चीज, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये मैंने नहीं भरा है। अगर कुछ भी एरर होगा वो आपको तुरंत दिखा देगा। अगर रजिस्टर आपने कर दिया, रजिस्टर क्लिक किया, तो आपको एक पेज ओपन होगा, वहां आपका एप्लीकेंट नंबर होगा ऊपर, यहाँ आपका क्या होगा, एप्लीकेंट नंबर रहेगा, वो नंबर आप लिख लीजिएगा और वो नंबर का मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है। यहाँ देख सकते हैं, जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर किया रहेगा वो नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज नहीं आया बाई चांस, तो आप एप्लीकेंट जो नंबर है वो आप एप्लीकेंट नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर उसको बोलते हैं, उस वो लिख लीजिएगा, आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा, और पासवर्ड तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, पूरा फॉर्म भरना है। नेक्स्ट पार्ट जो वन फॉर्म रहेगा उसके लिए आप, मैं अपडेट कर दूंगा आपको। सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।